ना पुतिन ना बाइडेन ना बोरिस जॉनसन, दुनिया के सिर चढ़ा नमो नाम का जादू, इज़राइल के मोस्ट फेवरेट बने पीएम मोदी, बेनेट की पार्टी में मोदी की सीट रिजर्व, दुनिया भर में पीएम मोदी की लोकप्रियता शिखर पर है, हिंदुस्तान भी मजबूत सत्ता के सिंहासन पर विराजमान है, दुनिया के तमाम मुल्क पीएम मोदी की लीडरशिप के कायल हैं, चाहे बात कोरोना काल में वायरस से मुकाबले की हो या फिर शांति के लिए वैश्विक स्तर पर सहनाद, या चाहे बात हो आतंक के खिलाफ दुनिया को लामबंद करने की, या तालिबान को सिरे से बॉयकॉट की, जिस ओर मोदी चले दुनिया ने उन्हें फॉलो किया, जिस बात को मोदी ने कह दिया वो बात पत्थर की लकीर हो गई। पीएम मोदी का यही जलवा उनके जिगरी दोस्त इसराइल के सिर चढ़कर भी बोल रहा है। इसराइल के पीएम नेफ्ताली बेनेट तो पीएम मोदी के ऐसे जबरा फैन हैं कि उन्होंने पीएम को ऐसा ऑफर दे दिया जो अब तक किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने नहीं दिया होगा। ये ऑफर क्या है और क्यों ये दुनिया भर में सुर्खियों में है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। उससे पहले आप जान लीजिए कि इसराइल भारत का ऐसा दोस्त है जिसने पूरी दुनिया को एक तरफ रखा और भारत की दोस्ती को दूसरी तरफ। मित्रों, इसराइल ही वो देश है जिसने भारत के बुरे वक्त में भी कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। इसराइल ही वो देश है जिसने ना तो कभी अमेरिका को, ना रूस को, ना चीन को और ना पाकिस्तान को हिंदुस्तान की अस्मिता से खिलवाड़ करने दिया। हिंदुस्तान को जब जब जरूरत पड़ी इसराइल ने कभी हैरान ड्रोन दिए, कभी टोही विमान, पाकिस्तान के साथ जंग में हिंदुस्तान को जंगी सामान दिया, तो कारगिल वॉर के दौरान अपने मिलिट्री सैटेलाइट से भारत के लिए निगरानी की, भारत को लेजर तकनीक से चलने वाली मिसाइलें उपलब्ध करवाई जो मिराज 2000H लड़ाकू विमान से दागी जा सकती थी। इतना ही नहीं, उस दौर में भी जबकि भारत की सरहदों को खा जाने के लिए चीनी ड्रैगन अपना जाल फैलाए हुए हैं, इसराइल ने भारत की सेनाओं के लिए सैकड़ों सर्विलांस ड्रोन्स के साथ ही अटैक ड्रोन्स भी उपलब्ध करवाए हैं ताकि हिंदुस्तान की हिफाजत में कोई कमी न आने पाए। बीती 18 अक्टूबर को भी इसराइल में ब्लू फ्लैग 2021 इंटरनेशनल वॉर एक्सरसाइज में वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने इसराइल की सरजमीं पर अपना दमखम दिखाया और इसराइल ने सच्चे दोस्त की तरह भारत की ट्रेनिंग में मदद की। भारतीय मिराज 2000 विमानों के साथ फ्रांसीसी राफेल फाइटर्स ने भी इस डिफेंस ड्रिल में हिस्सा लिया। ऐसा पहली बार हुआ कि भारतीय मिराज विमान और फ्रांस के राफेल जेट एक साथ किसी डिफेंस ड्रिल में शामिल हुए हों। 28 अक्टूबर तक चले इस डिफेंस ड्रिल के जरिए इसराइल ने भारत के साथ खड़े रहकर चीन और पाकिस्तान जैसे हिंदुस्तान के दुश्मनों को अल्टीमेटम दे दिया है कि खबरदार, भारत को अकेला मत समझना, उसके साथ उसका जिगरी इसराइल हमेशा उसकी ढाल बनकर मौजूद है। भारत के साथ इसराइल में अब तक हुए युद्धाभ्यास में ये सबसे बड़ा और आधुनिक हवाई अभ्यास था। मित्रों, भारत के लिए इसराइल का यही अपनत्व उसे हिंदुस्तान का सबसे अजीज मित्र मुल्क बनाता है। यहीं पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में COP26 सम्मेलन में शिरकत की थी। सम्मेलन में इसराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट भी शामिल थे। COP26 के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के साथ मोदी ने 1-to-1 चर्चा की। हमारे सूत्र बताते हैं कि इस चर्चा का सबसे हॉट टॉपिक था हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए भारतीय सेना को और मजबूत करना, LAC पर पूर्वी लद्दाख इलाके में इसराइल की तकनीक के जरिए सर्विलांस को और मजबूत करना, अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो चुके तालिबानी आतंकियों की भारत में घुसपैठ का पूरा और पक्का इलाज करना। तो मित्रों, इसी द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी और इजरायली पीएम बेनेट ने भविष्य की रणनीतियां तो बनाई ही। बेनेट ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ये तक कह डाला कि आप इजरायल में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं। उन्होंने हंसी मजाक में पीएम मोदी को अपनी पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण भी दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी जैसा करिश्माई और चर्चित व्यक्ति उनकी पार्टी यामिना में शामिल हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत इसराइल में उनकी भी पार्टी को लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचने से रोक नहीं सकती है। इधर पीएम नेफ्ताली ने पीएम मोदी को ये ऑफर दिया, उधर हल्के फुल्के अंदाज में मोदी जी ने भी इस प्रपोजल पर ठहाके लगा दिए। पीएम मोदी के साथ इसराइल के पूर्ववर्ती नेताओं और राष्ट्राध्यक्षों की भी यही आत्मीयता रहा करती थी। दोनों देशों के बीच मित्रता की ये डोर आज से 103 साल पहले बंधी थी। ये बात है 1918 की, सितंबर का महीना, प्रथम विश्व युद्ध का दौर। आज का इसराइल भी उसी बेड़ी से जकड़ा हुआ था जिससे हिंदुस्तान, बस अंतर जगह का था और हाथ तुर्की के थे। वर्तमान के इसराइल का प्रमुख शहर और बंदरगाह जिसकी मुक्ति के बिना इसराइल की आजादी संभव नहीं थी, उस वक्त इसराइल पर ऑटोमन साम्राज्य यानी अब के तुर्की का कब्जा था।
हाइफा एक रणनीतिक बंदरगाह शहर था जिसको जीतना अंग्रेजों के लिए असंभव था। अंग्रेजों ने जब हथियार डाल दिए तो फिर बारी आई भारतीय सैनिकों की। भारतीय सैनिकों ने इजराइल के शहर को बचाने के लिए हजारों जानें कुर्बान कर दी। भारतीय फौज की 3 घुड़सवार टुकड़ियों ने कमान संभाली। इन टुकड़ियों में शामिल थे जोधपुर लॉन्सर्स, मैसूर लॉन्सर्स और हैदराबाद लॉन्सर्स। इन घुड़सवार टुकड़ियों का नेतृत्व जोधपुर लॉन्सर्स के मेजर दलपत सिंह ने किया। युद्ध के दौरान हुई इस जंगे आजादी से 900 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने शहादत दी। लेकिन ये शहादत यूं ही बेकार नहीं गई। शहादत के इस समंदर में ऑटोमन साम्राज्य की उस फौज ने सरेंडर कर दिया जिसने अंग्रेजी तोपों का मुंह तोड़ दिया था, जिसने बरतानिया घुड़सवारों को घुटनों पर ला दिया था। 23 नवंबर 1918 को भारत के वीरों ने एक फौजी ताकत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उस दौरान ऑटोमन साम्राज्य की सेना के घमंड का सिर कलम करने वाले राठौड़ों को विजय मिली और उन्होंने हाइफा पर कब्जा कर लिया। दिल्ली का 3 मूर्ति चौक इन्हीं वीर सपूतों की याद में बनवाया गया है। साल 2010 में इसराइल में 3 मूर्ति के वीरों का सम्मान किया गया। तब से वहां हर साल 23 सितंबर को 3 मूर्ति के वीरों को याद किया जाता है। हर साल 23 सितंबर को भारतीय योद्धाओं को सम्मान देने के लिए इसराइल जुटता है। हाइफा के मेयर, इसराइल की जनता और भारतीय दूतावास के लोग इकट्ठा होकर हाइफा दिवस मनाते हैं। भारतीय सेना भी 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाती है। इसराइल की सरकार आज तक हाइफा, यरूशलम, रमला और ख्यात के समुद्री तटों पर बनी 900 भारतीय सैनिकों की समाधियों की अच्छी तरह देखरेख करती है। इसराइल के बच्चों को इतिहास की किताबों में भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम की गाथाएं सुनाई जाती हैं। वहां के बच्चे बच्चे को इसराइल की आजादी के लिए हाइफा में दी गई हिंदुस्तानियों की कुर्बानियों की कहानी मुंहज़बानी याद कराई जाती है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि भारत और इसराइल एक दूसरे के आजमाए हुए साथी हैं। दोनों के बीच अपनत्व और दोस्ती का ये रिश्ता एक सदी पुराना है, जो बेनेट और मोदी की मुलाकात में एक बार फिर से पूरी दुनिया ने देखा। इस साल जून में प्रधानमंत्री बने बेनेट की अगले साल भारत की यात्रा पर भी आने की तैयारी कर रहे हैं। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की इसराइल की ऐतिहासिक यात्रा ने भारत और इसराइल के द्विपक्षीय संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया था। तब से दोनों देशों के बीच संबंध ज्ञान आधारित साझेदारी के विस्तार पर केंद्रित हैं, जिसमें मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने सहित नवाचार और अनुसंधान में सहयोग शामिल है। मित्रों, इसराइल की भारत के साथ दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, लेकिन फिर भी इसराइल और भारत इन दिनों इस मित्रता का डंका पूरी दुनिया में जोर शोर से बजा रहे हैं। इसके भी अपने कूटनीतिक कारण हैं, जिसके लिए टीम मोदी ने बड़ी सोच समझ और सूझबूझ के साथ गोटियां सेट की हैं। दरअसल ग्लोबल लेवल पर इसराइल की तकनीक का लोहा दुनिया मानती है, उसकी तकनीक को हर मुल्क हाथों हाथ लेना चाहता है, लेकिन हिंदुस्तान के हितों को ताक पर रखकर इसराइल किसी मुल्क के साथ अपनी तकनीक साझा नहीं करता है, न पाकिस्तान को और ना ही चीन को। इन दिनों चीन भारत के खिलाफ ग्लोबल लेवल पर खेल करने की फिराक में है। चीन ने ही अपने गुर्गे WHO के चीफ गेब्रेसिस को फिर से WHO की कुर्सी पर काबिज करने की चाल चल दी, जिसके बाद कूटनीतिक स्तर पर शिकस्त देने के लिए भारत के साथ आ खड़ा हुआ ब्रिटेन। दरअसल भारत की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को तो WHO से PM मोदी ने जद्दोजहद के बाद इमरजेंसी यूज के लिए इजाजत दिला दी, लेकिन चीन भारत में बनी दूसरी कोरोना वैक्सीन यानी कोवैक्सीन को EUL में शामिल नहीं होने देना चाहता है। इसलिए वो उस गेब्रेसिस को WHO का चीफ फिर से बनाना चाहता है, जिसने कोरोना काल में चीन की जांच में नरमी बरती, यहां तक कि कोरोना से जंग के लिए किए गए चीन के प्रयासों की भी बढ़ा चढ़ाकर सराहना की, जिसके बाद पूरी दुनिया में WHO की जग हसाई हुई थी। लेकिन ना तो चीन सुधरा और ना WHO। लेकिन चीन के इसी षड्यंत्र को नाकाम करने और भारत की वैक्सीन के प्रति दुनिया में विश्वास बहाली के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पूरी जांच पड़ताल और परख के बाद भारत की कोवैक्सीन लगवाने वाले यात्रियों को अपने यहाँ यात्रा करने की मंजूरी दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि 12 साल से अधिक उम्र के कोवैक्सीन लगवाने वाले यात्री अब ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार को हाल ही में कोवैक्सीन से जुड़े ताजा आंकड़े दिए गए थे और इसमें पाया गया था कि वैक्सीन सुरक्षित है और कारगर है। ऑस्ट्रेलिया के इस रुख के बाद से ही दुनिया ये जान गई है कि WHO को मोहरा बनाकर कैसे चीन भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। कूटनीतिक तौर पर चीन की चाल को नाकाम करने के लिए टीम मोदी का साथ इसराइल ने भी दिया है। कहा जा रहा है कि भरे मंच पर भारत के लिए मोहब्बत का ये इजहार इसी कूटनीति का ही हिस्सा है, ताकि भारत से जलने वाले पाकिस्तान और चीन जैसे ये मुल्क जान लें कि पीछे से वार करके भारत को नुकसान करने की फितरत से बाज आएं। क्योंकि अगर हिंदुस्तान के मित्रों का माथा ठनका तो ना चीन भाग पाएगा और ना ही पाकिस्तान पनाह पा सकेगा।
भारत के जिगरी मुल्क इनको छठी का दूध याद दिला देंगे। दोस्तों, भारत की कूटनीति के बारे में आपकी क्या राय है? इसराइल के साथ बढ़ती प्रगाढ़ता का कितना फायदा भारत को अपने जलनखोर पड़ोसियों के खिलाफ मिलेगा? इसके बारे में आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर शेयर करें।